देखिए कांग्रेस केवल राजनीति करती है, हमें वो कहती आई है कि राम के नाम पर हम राजनीति करते हैं, पर सही मायने में राम के नाम पर वो राजनीति करना चाहते हैं। इतने सालों राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे, राम का विरोध करते रहे, राम के अस्तित्व को नकारते रहे। राम सेतु जिस पर चलकर राम ने सीता मैया को वापस लेके आने का काम किया था, उसको तोड़वाने का षड्यंत्र रचा। राम मंदिर की सुनवाई डिले हो, उसमें विलंब हो, इसकी पूरी कोशिश की सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ऐसे नेताओं ने हर समय राम को झुठलाने का काम किया। और अब जब नरेंद्र मोदी जी सरकार के कारण राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है तो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, गली ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हमें भी कुछ मिल जाए। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं कहूंगा कि जनता को तो बेवकूफ़ बनाते रहे हो, भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। तुम चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे हनुमान बाण का पाठ करो, तुमने जो राम के साथ दगा किया है, तुम्हें ना हनुमान छोड़ेंगे ना राम छोड़ेंगे।